माशाल्लाह कितनी प्यारी है हदिया। प्यारी तो होगी अपने मामू पे जो गई। खुशफहमिया। अरे हाँ वो मुझे आलिया बता रही थी कि समाहिर की एक बड़ी प्यारी सी नंदी है। नंदी है और प्यारी सी, तो पहले बताती मैं उसका भी फोटो ले आता। जब बोलना उल्टा ही बोलना। अच्छा ना बताएं समाहिर से मिलवाने लेके चलूं? नहीं तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो हंगामा कर देंगे। अम्मा जी आपने ना अब्बा को ऐसी हवा बना के सर पे सवार कर लिया यार, और ये उनको इतनी गैर जरूरी अहमियत देने का ही नतीजा है कि वो इतना सर पे चढ़ गए हैं। और वो कहते हैं ना उन लोगों के बारे में जिनको उनके जर्फ से ज्यादा मिल जाए वो खुद को इंसान नहीं कुछ और ही समझने लगते हैं। अरे आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। मेरी प्यारी अम्मा जान जिनके डर से आप बहल रही हैं वो घर पे है ही नहीं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर चले। नहीं अगर मैं उनकी हुकूमत दूरी करूंगी तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे, और इस उम्र में मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वैसे मेरी प्यारी अम्मा जान कभी सोचा है इस बारे में? नहीं मतलब वैसे ही कि हमारे प्यारे अब्बा जान ऐसे क्यों हैं? बेटा जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उसे हम अगर चाहे भी तो मिटा नहीं सकते। तुम्हारी दादी तुम्हारे अब्बा के बचपन में ही फौत हो गई थी, उनको उनकी सौतेली माँ ने पाला। बचपन की महरूमियों ने उनको जिद्दी बना दिया, और इसी जिद की वजह से बाप की जायदाद छोड़कर घर से निकल आए। अपनी पहचान तो बना ली मगर तबीयत में गुरूर आ गया, जो किया खुद किया, जो कमाया खुद कमाया। वो क्या कहते हो तुम लोग? हाँ सेल्फ मेड। तुम्हारे अब्बा सेल्फ मेड हैं। आज तक तुम्हारे अब्बा तुम्हारे चाचा को ताना देते हैं कि उन्होंने सारी उम्र अपने अब्बा की चाकरी की। महक ये कौन है? ये आपकी होने वाली बहू। कैसी है? प्यारी है ना? इस साल में ये सातवीं लड़की है जिसके बारे में तुम यही बात कह रहे हो। अच्छा पिछली छह के बारे में भी यही कहा था, लेकिन अम्मा ये कंफर्म है क्योंकि सेवन मेरा लकी नंबर भी है। शादी तो मैं इसी से करूंगा पक्का। तुम जानते हो ना अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया कि ये तुम्हारी पसंद है तो अड़ जाएंगे वो। ओफो प्यारी अम्मा जान जब कमरे में घुटन बढ़ने लगती है तो हम क्या करते हैं? खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं। मतलब ये कि रजी भी तो अपनी पसंद से शादी कर रहा है ना, और अब्बा को लगता है कि लड़की उनकी पसंद की है, तो हम दोनों भी ऐसे ही कोई चक्कर चलाएंगे। आखिर आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है मामा। महक का फोन फिर आ गया। हेलो। हाँ महक। हाँ हाँ बस मैं अभी घर पहुंचा। ठीक है। क्या बात है यार आपकी दोस्त इतनी खूबसूरत है किसी का भी दिल फिसल सकता है उस पे। इससे मुझ पर आशिक होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है। ठीक है तुम ना सही तो तुम्हारे हस्बैंड की छोटी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना इंतजार करवाया तुमने। रश्मा कहाँ है? यार विश्वा को अपने ससुराल जाना था तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना आ जाऊं। कुछ गलत तो नहीं कहना मैंने? नहीं कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा हुआ तुम्हारा, मैं उस सुबह तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो जबरदस्त यार, लेकिन मुझे अगर पता होता कि दो खूबसूरत लड़कियां मेरा इतना शिद्दत से इंतजार कर रही है ना मैं तो बहुत पहले आ चुका होता यार। शर्म करो अब तो मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, शादीशुदा हूं मैं। अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस शादीशुदा लड़की ने मुझे क्यों बुलाया है? सारी बातें यहीं करोगे? अंदर आओ बताती। फिर क्या? रजी ने अब्बा से कहा कि उनके परमानेंट कस्टमर हैं अरसान अफंदी साहब, उनकी बेटी है महक, और अगर अब्बा को लड़की और फैमिली पसंद आ गई तो ताकि रिश्ता महक से कर दिया जाए। वाह मेरे भाई क्या प्लानिंग की है तूने। तेरे भाई ने कभी कोई फेल प्लानिंग की है? अब्बा मान गए? मान गए? अरे वो तो महक के घर चले गए रजी की शादी का कार्ड देने और इसी बहाने महक को देखने। और अगर अब्बा को महक की उनकी फैमिली पसंद आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा कह रहा है ऐसे ही हो मेरा भाई, वरना मेरा तो दिल कह रहा है। ओए क्या कह रहा है तेरा दिल? यही कि तू अब्बा से बहुत पिटेगा। रितु अभी तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अगर महक के घर वालों में से किसी ने अब्बा को बता दिया कि तू टीवी पे आने लगा है।
रजी है ना संभाल लेगा, और तू अपना मुंह बंद रखा कर, जुबान काली है तेरी। अबे अगर इतनी काली होती ना तो मेरी मंगी समर से ना हो रही होती। ओहो तस्वीर देख ली कहाँ यार, अब्बा ने तो जैसे कसम खाई हुई है कि मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेरना। कब से कह रहा हूँ कि मुझे तस्वीर दिखा दें लेकिन उन्हें मेरी बात ही नहीं भूलती। तो किसने कहा था कि खुद को इतना मशरकी साबित करो भाई, तुमने खुद ही कहा था ना कि मुझे तस्वीर नहीं देखनी, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। अब भुगतो। मामा की जान शिफा, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी भाभी मैं समर की तरफ जा रही हूँ, जीनत खाना ने कहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाऊँ, उमर भाई को बता दिया मैंने। अच्छा आज मंगनी है क्या? नहीं नहीं आज तो मंगनी नहीं है, आज मंगनी की डेट फिक्स होगी। वैसे समर ने तो तुम्हें बताया नहीं कि उसकी मंगनी होने वाली है, तुम्हें देखो भागी भागी उसके पास जा रही हो, ये दोस्ती मेरी समझ में नहीं आती शिफा। भाभी इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ खैर फर्क तो कोई नहीं पड़ता। अच्छा प्लीज सुन जरा हदिया को संभालो, उसे मेरी नाक में दम किया हुआ है। नीचे रोहेल आया है, मैं उसको कंपनी दूं या इसको संभालूं? थैंक यू। अरे शिफा तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसको सुलाकर तुम भी नीचे आ जाओ, देखो रोहेल बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसा, अच्छा है साथ बैठोगी थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। ठीक है हाँ। जान मामा की जान। पीछे पापा, पीछे पापा। आजो, 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 आजो। शिफा भी बस आ रही है। ना भी आते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? अब कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि हम इतने पुराने दोस्त हैं और एक पिक्चर साथ नहीं है यार। This is sad. Wait, let's take a picture. क्या जरूरत है? रोहिल कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा हूँ? कितनी प्यारे लग रहे हम दोनों एक साथ। क्या हो गया तुमको? अच्छा नहीं लगा मैंने पिक्चर ली? ऐसी कोई बात नहीं। ओ, शिफा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भाभी ये बहुत तंग कर रही है। ओ, मामा की जान आ जाओ मेरे पास, तुम दोनों बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। क्यों तंग कर रहे हैं बीबी? हाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छी लग रही हैं आप। जी वैसे आप इतना ही सीरियस रहती हैं या सिर्फ मुझे देख के इतना सीरियस हो? क्योंकि मैं इतना बुरा तो नहीं हूं वैसे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो चलिए फिर आइए बैठ के गपशप करते हैं, आइए। वो मैं भाभी की किचन में जरा मदद करा लूं, आप प्लीज बैठिए ना मैं आती हूँ। भाई यहाँ बिठाइए समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। देखिए मंगनी तो हम बहुत धूम से करेंगे, अगर आप इजाजत दें तो हम शगुन की मिठाई अपनी बेटी को खिला दें। जी जैसे आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बेटा सबकी तस्वीरें तो बनाओ। नानी मुझसे बदतमीजी कर रहा है। सॉरी बोलने आया था वाकई में। सॉरी बोलने आया था मैम। तुम अम्मी वो महक कैसी लगी आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी बच्ची है जचेगी तकी के साथ। और अब्बा जी आपका क्या ख्याल है किस बारे में?
अरे मैं महक और तकी के बारे में पूछ रहा हूँ, अफंदी साहब की फैमिली कैसी लगी आपको? अच्छे लोग हैं, बच्ची मुझे पसंद आई, लेकिन जिस तरह का उनका रहन सहन है, महक बेटी हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हो सकता है अब्बा जी आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता पहली मुलाकात के हिसाब से आप बहुत जल्दी राय कायम कर? भाई आ रहे हैं ना तुम्हारी शादी में, हो सकता है एक दो मुलाकात में मेरी राय बदल जाए। फिलहाल तुम इन बातों को भूल जाओ, अभी तो मेरा शेर बेटा दूल्हा बनने जा रहा है, तुम्हें यही खुशी इंजॉय करने दो। सलीमा भाई मेरी छड़ी कहाँ रख दी? सलीमा तुम्हें पता है तकी भाई टीवी पे आते हैं? हाँ तुमने तकी भाई का वो कमर्शियल देखा है जिसमें वो डांस कर रहे थे? हाँ हाँ वो चॉकलेट वाला ना? बिल्कुल। मैं तो अपने सारे दोस्तों को कॉलेज में बता दिया कि मेरे तकी भाई टीवी पे आने लगे, कितने जबरदस्त लगते हैं यार। माशाल्लाह हमारे तकी भाई है ही बहुत प्यारे। अंजार, बेशरम, बेहया, जान निकाल लूंगा, जान निकालूंगा इसकी। क्या समझता है, क्या समझा इसने? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, खबीस नालायक, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे अब्बा जी क्यों मार रहे हैं इसको? अब्बा जी क्यों मार रहे हैं इसको? घर मेहमानों के सामने ये क्या तमाशा बना रहे हैं? ऐसा क्या जुर्म कर दिया तकीन? तुम्हें मेहमानों की फिक्र पड़ी है और तुम्हारे साहबजादे ने पूरी दुनिया में मेरा तमाशा बनाया हुआ है, लोग क्या कहेंगे? अब्दुल बाकर लोधी का बेटा नौटंकी बना फिर रहा है। मैं इसके शौक की वजह से अपने खानदान की नामूस पे हर्फ नहीं आने दूंगा। अब्बाजी देखिए सब देख रहे हैं, तकी अंदर जाओ तुम। देखने दो लोगों को, इसने जो किया है वो भी जमाना देख रहा है। बात सुनो, जाओ, चले जाओ मेरे घर से, और आइंदा जिंदगी में मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी तरफ से आजाद हो तुम, अब तुम्हारी मर्जी, नौटंकी बन के नाचो या जोकर बन के जियो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जाओ यहां से, दफा हो जाओ, और पलट के इस तरफ देखना भी मत। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। रुको और कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर इसके लिए किसी ने भी घर का दरवाजा खोला तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, समझे? भाभी बस कर दे, उफ हंस हंस के मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तुम्हारी आंखों में पानी आ गया, हमारा सुनकर ये हाल है, सोचो हम वहां मौजूद थे हमारा क्या हशर हुआ होगा। वैसे ही शक्ल से ना बहुत फनी लगता है, मैं आपको बता रही हूँ, इसने जानबूझकर शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाला होगा। हाँ वैसे ये तो बचपन की बात है, वैसे अब काफी गुड लुकिंग हो गया है। नहीं पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि अब मैं उसकी शक्ल देखूंगी ना तो मुझे ये किस्सा याद आ जाएगा। इधर देखो, तो कॉलेज में एक बात बहुत मशहूर थी कि जो लड़कियां हंसती हैं उनकी आंखों में पानी आ जाता है ना, उनको उनका आइडियल लाइफ पार्टनर मिलता है।
अच्छा ऐसे तुम्हारा आइडियल क्या है? आई मीन तुमने भी तो सोचा होगा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। नहीं भाभी, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता शिफा, हर लड़की अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचती है। तो बस समझ ले कि मैं एक्सेप्शनल हूँ। फिर ये सुनकर रोहिल तो बहुत खुश होगा। क्यों, वो क्यों खुश होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि रोहिल तुम्हें पसंद करता है। जी? प्लीज खुद को संभाले। पानी पीजिए आप। ये लीजिए पानी पिए। मुझे पानी नहीं पीना। कोई मेरे बेटे का तो पता करे वो कहाँ है, किस हाल में। अमी प्लीज देखिए, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। आपने सुना नहीं अब्बा जी ने क्या कहा? इस घर के दरवाजे अब तकी के लिए बंद हो चुके हैं, और जिसने भी उससे ताल्लुक रखा वो उससे भी ताल्लुक खत्म कर लेगा। चलिए आप प्लीज प्लीज अंदर चलिए, मेहमान बैठे हैं। मैं तकी को फोन करता हूँ। चलिए अंदर आइए 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 आइए। हदिया को लेटा दिया जी। और मैं पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, ऑफिस में मसरूफ होंगे भाभी। हाँ इसे फारिग होगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। अच्छा सुनो, इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। अभी जो हमारी बात हुई है उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? किस बारे में? यही कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है। भाभी अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, फिर शादी का सोचूंगी। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। देखो शिफा प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह मानती हूँ। भाभी मैं जानती हूँ। तो फिर तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि और मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। भाई ने कुछ कहा आपसे? जब बहनें बड़ी हो जाती है ना तो भाइयों को जुबान से कुछ कहना नहीं पड़ता, उनकी फिक्र उनके माथे पर दिखती है। लेकिन भाभी देखो शफा, उमेर ये बात कभी अपनी जुबान से नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ वो तुम्हारी शादी के लिए कितने फिक्रमंद रहते हैं। स्पेशली जब से समर की शादी का सुना है ना, उनको यही फिक्र लगी रहती है कि तुम्हारी कैसे होगी। लेकिन इसमें फिक्रमंद होने वाली क्या बात है, मेरी शादी भी हो जाएगी। पागल, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। देखो शफा, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तुम्हें क्या लगता है कि समर का रिश्ता ऐसे तय हो गया? तो फिर कैसे हुई? समर ने कोशिश की होगी तभी तो हुआ है। पर देखो मैं चाहती हूँ कि तुम भी ना उमेर की थोड़ी फिक्र कम करने के लिए कुछ करो। क्या मतलब, मैं क्या करूँ? देखो समर के दिनों में शादी तय हो गई, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने आप पर ध्यान दो, लोगों से मिलो जुलो, उनसे बातचीत करो ताकि तुम्हें भी कोई पसंद करे। लेकिन भाभी मैं तो सबसे मिलती हूँ। कहाँ मिलती हो? कल रोहिल आया था, कोई भी बात की तुमने उससे? क्या बात करती शिफा, इंसान हाल पूछता है, तुम उसकी यूएस की जिंदगी के बारे में पूछ सकती थी, वहां क्या करता है कैसे रहता है, बात से बात निकलती है ना। देखो शिफा मुझे लगता है कि रोहिल तुम्हें पसंद करता है, और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। सोचो तुम यूएसए में सेटल हो जाओगी, कितनी मजेदार जिंदगी होगी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम उसे इसी तरह एटीट्यूड दिखाती रही तो वो पीछे हट जाएगा। और देखो शिफा, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। क्या सोच रही हो? देखो मैंने उमेर से भी इस बारे में बात की थी, उनको तो रोहिल अच्छा लगा है, कह रहे थे कि मैं तुमसे भी बात कर लूं। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? उमेर भाई ने कहा आपसे?
अब्बा मुझे नापसंद करते हैं ये जानता था, लेकिन इतनी नफरत करते हैं ये नहीं जानता था। I'm sorry, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, आप ठीक हो? ताकि तुम, तुम्हारा तो बहुत खून निकल रहा है। उठो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं। आराम से, आराम से, आज मुझे नजर ही नहीं आया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बस ये एक इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। परेशानी की कोई बात तो नहीं है? अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, बस सिर्फ एक हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई, वरना समायर को जब पता चलेगा कि मैंने गाड़ी से उसी के भाई को टक्कर मार दी, वो तो मेरी जान ही निकाल देगी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ूं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं। ये तो और अच्छी बात है, तुम ऐसा करो मेरी तरफ चलो, समाज तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। नहीं नहीं मेरे भाई, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। अपने घर तुम जाना नहीं चाहते, हमारे घर जाने पर राजी नहीं हो, खैर ये तो है। बहुत लोग घरों के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, मुझे भी कोई ना कोई ठिकाना मिल जाएगा। यानी तुमने पक्का इरादा बना लिया है मुझे समर के हाथ बिठवाने का? पहली गलती ये है कि मैंने उसके भाई को गाड़ी से मारा, दूसरी ये कि उसी भाई को सड़क पे छोड़ाया। यार प्लीज मेरे साथ चलो, कोई तो होगा जो मुझे समर के गुस्से से बचा सकेगा। मैं डॉक्टर साहब से इंजेक्शन का पूछ रहा हूँ, फिर तुम मेरे साथ चलो। चलो ठीक है समीर, थैंक यू। तुम्हें जैसे कुछ पता चले प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, यहाँ सब बहुत परेशान है। ओके, लाफिस। क्या हुआ, कुछ कुछ पता चला मेरे बेटे का? नहीं, समीर कह रहा है कि तकी नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा। अब्बा जी ने तो हद ही कर दी, इतनी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। सबीन के घर भी बात पहुंच गई होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, खुदा ना खास्ता अगर कल तक तकी ना आया तो बारात भी नहीं जाएगी। तुम फोन करके बता दो सबीन की माँ को। कोई किसी को फोन नहीं करेगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय हुआ है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी बारात में। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन बारात जरूर जाएगी। लेकिन अब्बा ऐसे कैसे बारात जाएगी? मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे ही होगा। बारात अपने वक्त पर बड़ी शान और शौकत के साथ जाएगी, ताकि जमाने को पता चले कि अब्दुल बाकर लोधी के बेटे की बारात है। दकी की गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसी तो कोई बात नहीं है, विश्वा के साथ साथ मेरी तुम्हारे साथ भी इतनी अच्छी दोस्ती है, इसलिए इनवाइट कर रही थी। तुम अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझते हो तो हमारी शिफा भी किसी से कम नहीं है। दरवाजे पे कोई आया है। रोहिल तुम दो मिनट शिफा से बात करो, मैं जरा देख कर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं कैसे कर सकती हूँ बात, दो मिनट बात कर लो। नहीं मैंने नहीं बात करनी है। शिफा दो मिनट बात करने से कुछ नहीं होता, फोन से निकल के तुम्हें खा नहीं जाएगा। पकड़ो मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन। दो हेलो, मैं शिफा बात कर रही हूँ। जी पहचान गया हूँ, इतनी खूबसूरत आवाज किसी और की हो भी नहीं सकती। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ।
मेरा नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा हूँ? कैसे हैं आप? बहुत हैंडसम। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके मिजाज कैसे हैं? अरे मिजाज अच्छे ना भी हो ना तो आप जैसे खूबसूरत लड़की के साथ बात करके अच्छे हो जाते हैं। जी जी। वैसे समायर बता रही थी कि आप सोच कर जवाब देंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप टाइम ले सकते हैं। बस एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अगर कोई बात ठान लूं ना तो फिर दिल चोरी करके ही छोड़ता हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, फिर कभी बात करते हैं। जी संभल के। मेरा खैर हुआ क्या है बताओ तो सही। चलो मैं बताता हूँ, संभल के ताकि आप। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा ने तुम पर हाथ उठाया। नहीं नहीं, उन्होंने कहा हाथ उठाया, उनकी छड़ी उठती हुई आई और मुझ पर आके बरसने लगी। अभी मुझे बहुत ही इज्जत और इत्तेराम के साथ गेट तक लेके आए और कहने लगे, देखो तकी मियां, हमारा छोटा सा घर इस काबिल नहीं है कि तुम जैसा अजीम अदाकार इसमें रह सके, तो तुम हम पे खुद एक एहसान करो, यहाँ से चले जाओ। मैं आ गया। लेकिन तकी, अभी हमें आए थोड़ी देर हुई है, तुम बार बार इसे यही सवाल कर रही हो, इसे तंग करना बंद करो, इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर। नहीं नहीं मेरे भाई प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। तुम खामोश होगे, जितनी देर खामोश रहोगे और आराम करोगे उतनी जल्दी ये जख्म ठीक होगा। उमेर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सुनाए उनके पहले ही बहुत आसान है मुझ पर, मैं तो बेहार मदरगाह साहब पर पड़ा हुआ था। देखिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, बात को समझें, प्लीज मुझे जाने दें, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा, और ये कौन सा बंदोबस्त है जरा हमें भी तो पता चले, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम इतने अमीर तो नहीं हो कि किसी भी होटल में जाके परमानेंटली स्टे करना शुरू कर दो। कोई सोच ले मेरे भाई, मेहमान एक दिन का होता है, जुलेमान लिया दो दिन का होता है, लेकिन मेरा कोई पता नहीं है कि मुझ तक ले ठिकाने का बंदोबस्त कब हो। सोच ले भाई, हमने कह दिया कि तुम रुकोगे तो तुम रुकोगे, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी बहन की बात तो मान लो। ताकि बस बहुत हो गई बहस, चुपचाप यहाँ लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए यकीन बना कर डालती हूँ। आए अब्बा, इतनी जोर से मार रहा है, कुछ इज्जत ही रख लेते मेहमानों के सामने। मैं तुम्हारे कपड़े। थैंक यू। सुनो, मुझे तकी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। काफी देर से सोच रही थी बात करने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा शुरू कैसे करूं। समायर आखिर तुम्हें मुझसे बात करने में क्यों इतना सोचना पड़ता है? और मुझे अंदाज़ है तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, यही ना कि तकी कुछ रोज यहाँ रुकेगा फिर चला जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। खैर तुम फिक्र मत करो, जब तक तकी का प्रॉपर इंतजाम नहीं हो जाता वो यहाँ रुक सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर शफा को बुरा लगे तो। सवाल में एक बात बताऊं तुम्हें, तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ कुछ बातें तुम हमेशा बच्चों जैसी करती हो। आखिर शफा को क्यों एतराज होगा जब तकी को यहाँ ठहराने का फैसला मेरा फैसला है। बेशक वो तुम्हारा भाई है लेकिन कोई रिश्ता उसका मुझसे भी तो है ना। मैं मानता हूं कि शफा तुम्हारे बारे में कुछ और किस्म के ख्याल रखती है, लेकिन एक बात तो है, मेहमान नवाजी हमारे खून में शामिल है, उसे कोई एतराज नहीं होगा। और तुम प्लीज अपनी छोटी सी अकल पे इतना जोर मत दिया करो, जब भी करती हो बेवकूफों वाली बात ही करती हो। चलो मैं तो ऐसी एक बात कह रही थी, मुझे क्या पता था तुम खफा हो जाओगे। अरे तुम सीरियस होगी, मैं मजाक कर रहा था। बहुत बुरे हो तुम। अब बस भी कर दे, रिश्ता ही खत्म हुआ है, कोई मैं मर नहीं गई जो आप लोग इस तरह अफसरदा हो रहे। कैसी बातें कर रही हो समर, ऐसे नहीं बोलते बेटा। रिश्ता खत्म करना था तो कर देते, इस तरह की बात तो ना करते ना। बताइए, बिन ब्याही बेटी को तलाक याफ्ता बना गए तो फो ऐसे लोगों पर। वैसे मैं भी सोच रहा था ऐसी बात फैलाई किसने।
समीर की वालदा बता रही थी किसी शिफा नामी लड़की ने समीर के दोस्त को बताई है। शिफा ने? जी शिफा ने। और समर अब तुम शिफा से नहीं मिलोगी। लेकिन अम्मी क्यों? बस कह दिया ना शिफा से नहीं मिलना। और आप भी समीर के वालिद के पास जाइए और उनसे बात करें। रिश्ता खत्म करना था तो कर देते, इस तरह उसकी वालदा को यहाँ आकर वावेला नहीं मचाना चाहिए था। तहजीब भी कोई चीज होती है। हाँ बात तो मैं जरूर करूंगा, आखिर वो लोग रिश्ता लेकर आए थे हमारे पास, हम तो नहीं गए थे। मैं जा रहा हूँ। और सुनिए खूब बेइज्जती करिएगा, नरम अंदाज में बात ना करिएगा। तुम फिकर ही मत करो बाबा। अम्मी अब उन लोगों से बात करने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। और जो कुछ भी आप शिफा के बारे में कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो मुझसे कभी भी जेलस नहीं हो सकती। कब से आप लेटी हुई हैं? उठिए तैयार हो जाइए। अम्मी मुझे तकिए के बगैर ये सब करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब्बा की जिद तो आप जानती हैं ना, सुबह से बारात की तैयारियों में लगे। तुम बारात लेकर जाओ, नहीं चाहूंगी। नहीं नहीं अम्मी प्लीज ऐसा मत कहे। उठिए प्लीज मेरी खातिर। तुम्हारे अब्बा हमेशा ज्यादती करते, हमेशा। तो अब आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे? ये क्या हो रहा है? कुछ देर के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। घर से बाहर? मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर ना निकलने दूँ, फौरन से पहले लेट जाओ। इतनी देर इस कमरे में कैद रहूंगा? बाहर जाना है मुझे, सोचना है आगे क्या करना है। ताकि सिर्फ 7 दिन की बात है, एक जगह टिककर आराम कर लोगे ना तो तुम्हारी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जहां तक बात सोचने की है वो तो तुम लेट कर भी कर सकते हो। और बाकी रही घर से निकलने की बात, जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना तो चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। उफ़ यार, कल से इस कमरे में बंद हूँ, खुली हवा में सांस तो लेने दो। क्या कहा तुमने, सुनाई नहीं दिया मुझे। चलो सूप पियो, ठंडा हो जाएगा। सनी घर पे क्या हो रहा होगा? रात तो चली गई होगी। जरूरी तो नहीं है। ये रोती हुई शक्ल ठीक करो, मैं और शिफा मार्केट जाएंगे, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। अच्छा प्लीज सूप पी लो। ताकि अभी वैसे आपने बहुत गलत किया, उससे बात नहीं करवानी चाहिए थी फोन पे। ओफो,
चलेगा कि तुम उससे बात करोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि वो किस किस्म का इंसान है। और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे। यार भाभी, एक तो आपके शौक के चक्कर में ना मेरी बैंड बज गई है, समझ नहीं आता उससे क्या बात करूं। शुरू में ऐसे ही होता है, फिर जब तुम उससे ऐसा ऐसा बात करने लगोगी ना तो टॉपिक खुद ही निकल आएंगे। आपको बड़ा पता है। कोर्स, तुम्हें क्या लगता है उमेश से मेरी शादी कैसे हुई थी? हाँ, लेकिन भाभी मुझे ये बात कुछ सही नहीं लग रही। कौन सी बात? यही रोहेल से बात करना। तो भाई को पता चल गया तो? शिफा, मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं को बता चुकी हूँ। भाई ने कहा था? उनको तो रोहेल बहुत पसंद आया, लेकिन जब तक तुम कोई एफर्ट नहीं करोगी कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि रोहेल तुम्हें काफी अच्छा लगा है। हाँ नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर से कहना क्या कहा तुमने? भाभी चलो इधर। मुझे फोन नहीं उठाना चाहिए। कॉन्फिडेंट और बोल्ड लड़कियां अच्छी लगती हैं। अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए शिफा अपने अंदर कुछ चेंज लाओ। हेलो। कहते हैं कि लगन अगर सच्ची हो तो खुदा भी मिल जाता है। आपने जरूर समायर भाभी के लिए कॉल की होगी ना? वो तो सो चुकी हैं। इस तरह से कॉल की ना आपने मुझे? मैं कमाल है भाई, इतनी जल्दी भूल गया। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला खूबसूरत लड़कियों को इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी देता है। आप बहुत ही जॉली नेचर के हैं, है ना? नहीं मुझे बिल्कुल भी अंदाज। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कोई काम था आपको? जी वो मैं एक्चुअली पानी लेने आया था, पानी फ्रिज से।